एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि इतना अच्छा शो मिला एंड अगेन वी आर वर्किंग टुगेदर. आई मीन इट्स अ ब्लेसिंग आई फील बिकॉज थिंग्स बिकम्स वेरी ईजी वेन यू नो समबडी वेन यू आर सो कम्पैटिबल यू नो विद द अदर पर्सन विद योर को एक्टर जिनके साथ आपको रोज़ काम करना है एंड इट्स वेरी ईजी टू वर्क विथ हिम बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग है एक फ्रेंडशिप है दैट मेक्स यू नो अ वर्क मच ईजियर ऑन सेट्स. एंड जहाँ हमारे मेरे किरदारों की बात है सौम्या इज़ अ वेरी सिंपल यू नो सिंपल आज की लड़की है जो काम करना चाहती है जो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहती है जो इंदौर से सपना लेकर आई है राइटर बनने का टीवी राइटर बनने का उसका सबसे बड़ा ड्रीम है अरमान ओबेरॉय के साथ काम करने का एंड उसे मौका भी मिलता है एंड फिर कैसे उसकी ये बिलीफ है कि जब लड़कों का पैशन उनका प्रोफेशन होता है तो लड़कियों का पैशन भी उनका प्रोफेशन होना चाहिए वेदर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज यू नो दिस थिंग शुड बी नॉर्मलाइज एंड कैसे उनके लाइफ में सिचुएशंस आती हैं और चीज़ें होती है एंड हाउ शी डील्स विद ऑल ऑफ इट. या एक्साइटमेंट है अच्छा शो है इसके साथ काम करने को वापस मिला है तो इट इज़ फन. कमिंग टू माय कैरेक्टर अरमान ओबेरॉय एक बहुत ही सक्सेसफुल हिट शोज देने वाला टीवी प्रोड्यूसर है. ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट ही इज़ यंग मोस्ट एलिजिबल बैचलर है लेकिन उसकी कुछ थॉट प्रोसेस है जो वो अपने तक रखता है एक इमेज है जो मेंटेन करता है थोड़ा मैनिपुलेटिव है छुपा रुस्तम भी है तो ही नोज हाउ टू मोल्ड थिंग्स इनटू शेप्स दैट ही वांट्स यानी वो चाहेगा जैसे वो वैसे करेगा और बहुत इजीली सामने वाले को अपनी बोतल में उतार देगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे बहता गया तो ही हैज़ दैट Enigma, that personality. तो अच्छा character है करने के लिए. That we both are very very passionate when it comes to our work. Yeah. Yes. Yes, I agree to her because. दोस्ती हो या जो भी हो वो बात अलग होती है वो जब सीन हमारा शुरू होता है देन इट इज़ अबाउट वर्क अबाउट द सीन सीन अच्छे से हो जाए वो हम दोनों का गोल है तो हम उस पर वर्क करते हैं दैट इज़ अ गुड थिंग और आई थिंक इसीलिए हमारी बनती भी अगर ऐसा होता कि एक वन ऑफ अस इज़ लेड बैक चाहे वो मैं हूँ या ये तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता एक स्टोरी है जो ऑब्वियसली लाइक इट्स पोल्स अपार्ट लाइक यू वी आर फ्रेंड्स बट वी नो ईच अदर सिंस 6 इयर्स एंड ब्ला 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 बट सौम्या एंड अरमान की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो डेफिनेटली बहुत यूनिक है बहुत अलग है एंड वी आर जस्ट होपिंग के बस अब ऑडियंस को आप सबको अच्छा लगे. या रिलेटेबिलिटी उस तरह की कोई नहीं है इट्स they are poles apart from what we are in real life to usi mein maza hai actually wahi jo hum as actors jo hum nahi hote hain use portray karne mein zyada maza aata hai jaise hum nahi hote but main to ye keh sakta hu jo mera character hai usse main alag hu par ye shayad nahi main relate karti hu yes main relate karegi Honestly, since हम 12 घंटे काम करते हैं एक दूसरे के साथ या इन जनरल भी आई थिंक ब्रेक का वो टाइम है जो हम दोनों प्रेफर करते हैं कि हम अकेले अपने स्पेस में रहें ये यस अपना मी टाइम जो पूरे 12 घंटे नहीं मिलता वो बस वो ब्रेक के वो 20 25 30 मिनट मिलते हैं सो वी लाइक टू यू नो हैव दैट फॉर आवरसेल्फ. मैम खाया एक दूसरे के घर में ना आई मेरे घर से भी बहुत अच्छा आता है बट आई लाइक प्रीति के हाथ का खाना आल्सो आई आल्सो लाइक प्रीति के हाथ का. हम
हमारा मॉक शूट हुआ था और अगले दिन मुझे फाइनलाइज कर दिया था, तो पता ही था, आई मीन जैसे ही पता चला मैंने इन्हें बताया, इनका मैसेज आया था. सो या वी वर वेरी हैप्पी क्योंकि थिंग्स बिकेम ईजियर. जो आपको 2-3 महीने लगते हैं केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए अपने न्यू को एक्टर के साथ, वो अभी वो हमें झंझट में पड़ना नहीं है. वी आर जस्ट यू नो राइट ऑन फ्रोज एंड वी नो व्हाट टू डू. पहले तो थैंक यू हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए हमारी जर्नी जो रही है अब तक उसके लिए. पर हमें आपके और ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है. प्लीज़ हमारा शो देखिए, मुँह से छल किए जाए, जो बहुत जल्दी 7 फेब को सोनी पे आ रहा है 9 बजे मंडे टू फ्राइडे. और देखिए और स्प्रेड द वर्ड, लोगों को भी बताइए. बहुत अच्छा शो है. आई पर्सनली रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट एंड द कैरेक्टर्स दैट वी आर प्लेइंग. तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी पसंद आएगा. आई एम वेरी होपफुल. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू.